स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई का एक लेसन एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। इस स्टोरी का चौथा पार्ट हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Would not your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. जब कंडक्टर ने लड़की को उसका टिकट दिया तो उससे पूछा, क्या तुम्हारी माँ तुमको खोज नहीं रही होगी? No, no, one will be looking for me, she said. उसने कहा, उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई भी नहीं खोज रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस चलना शुरू कर दी और वहां पे फिर वही आश्चर्यजनक दृश्य थे। Wally was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. बली को कोई बोरियत नहीं हो रही थी, जैसा कि उसने इन दृश्यों को आते समय भी देखा था, लेकिन उन दृश्यों को दोबारा देखने में उसको कोई बोरियत नहीं हो रही थी, जरा से भी बोरियत नहीं हो रही थी, और वह उतना ही प्रसन्न हो रही थी, उतना ही उत्तेजित हो रही थी जितना कि पहली बार उसने महसूस किया था। बट सडनली सी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक ही उसने देखा कि एक छोटी सी गाय रोड साइड पर सड़क के किनारे पड़ी हुई है, मृत पड़ी हुई है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल्स। ठीक वहीं जहाँ पर यह गाय किसी तेज गति के वाहन से टकराई थी, मतलब रोड पे ही टकराई थी और वहीं मृत पड़ गई। इज नॉट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, सी आस्क्ड द कंडक्टर। उस लड़की ने कंडक्टर से पूछा, क्या यह वही गाय नहीं है जो आते समय हमारे बस के सामने दौड़ते हुए आ गई थी? द कंडक्टर नॉडेड। कंडक्टर ने सिर हिलाया, सहमति दी, एंड सी वाज ओवरकम विथ सैडनेस। और वह लड़की दुख से भर गई, बहुत दुखी हुई। व्हाट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर जस्ट ए लिटिल व्हाइल एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक सो हॉरिबल। इस प्यारे से सुंदर से प्राणी के साथ क्या हो गया? कुछ समय में ही यह क्या हो गया? इसने अपने आकर्षण को खो दिया, अपना जीवन खो दिया और इतनी भयानक दिख रही है। सो फ्राइटेनिंग एज इट ले देयर लेग्स स्प्रेड लेग्ड ए फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आई ब्लड ऑल ओवर। रही है और इसने अपने पैरों को छितरा दिया है और इसकी जीवन विहीन आंखें एक तक घूर रही हैं और चारों तरफ खून फैला हुआ है। द बस मूव ऑन। बस चलती गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। और उस मृत गाय की यादें उसके दिमाग में छाई रही। डेपनिंग हर इंथ्योसिज्म, उसका जो प्रसन्नता था, उसकी जो प्रसन्नता थी वह छीण पड़ रही थी, कम पड़ रही थी। टेम्पेनिंग में छीण पड़ना इस घटना को देखने के बाद। सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो। अब वह खिड़की के बाहर देखना नहीं चाहती थी। सी सैट दस ग्लूड टू हर सीट अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40। और वह
इस तरह से बैठ गई जैसे कि सीट में उसको ग्लू लगा के चिपका दिया गया हो। जब तक तब तक बैठी रही जब तक कि बस 3:30 बजे तक उसके गांव नहीं पहुंच गई। सी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, वो खड़ी हुई, उसने अपने आप को फैलाया। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। उसके बाद वह कंडक्टर की तरफ मुड़ी, कंडक्टर से मुखातिब हुई और उसने कहा कि श्रीमान मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको दोबारा देखूँगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ मैम आप मिलिएगा। व्हेनेवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, जब भी आप चाहिएगा बस की सवारी करना तो आप आइएगा और हमसे जुड़िएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। सी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, वो लड़की वली हंसी और बस से कूद पड़ी। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, फिर वह सीधे दौड़ते हुए अपने घर चली गई। व्हेन सी एंटर्ड हर हाउस सी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वली आंट, जब वह घर में प्रवेश की, घर में पहुंची तो उसने पाया कि उसकी माँ जग चुकी हैं और वली की एक आंट से, वली की चाची से बातचीत कर रही हैं। The one from South Street, और यह जो आंटी थी साउथ स्ट्रीट की थी, दक्षिणी गली से थी। This aunt was a real chatterbox, और यह जो आंटी जी थी वह वास्तव में एक chatterbox थी, असली chatterbox थी। Never closing her mouth once she started talking, अपना मुंह वह कभी भी बंद नहीं करती थी अगर एक बार बोलना शुरू कर देती थी तो। And Where have you been? said her aunt when Wali came in. जब Wali अंदर आई, घर के अंदर पहुंची, तो उसकी चाची ने, उसकी आंट ने पूछा कि तुम कहाँ थी Wali? She spoke very casually. बहुत ही अनौपचारिक रूप से उसकी आंट ने पूछा था, कोई औपचारिक प्रश्न नहीं था कि बताना जरूरी हो। Not expecting a reply, बिना किसी जवाब की आशा के। सो वली जस्ट स्माइल, इसलिए वली बस मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन, और वली के मुस्कुराने पर उसकी माँ और उसकी चाची अपने वार्तालाप में मशगूल रही, वार्तालाप करती रही। यस यू आर राइट, हर मदर से उसकी माँ ने कहा कि हाँ तुम सही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स्ट एंड इन वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सी चीज़ें जो हमारे बीच होती हैं या दुनिया में बाहर की तरफ होती हैं, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, यह कहाँ संभव है कि हम हर चीज को जान सकें। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन वी, और कभी अगर हम कुछ जान भी जाते हैं तो प्रायः हम इसको समझ नहीं पाते हैं पूरी तरह से, कैसा हम कर पाते हैं। ओ यस ब्रेथ वली, वली ने सांस लेते हुए कहा हाँ हाँ। What asked her mother, उसकी माँ ने पूछा क्या। What that you say, तुमने क्या कहा। Oh, said Wali, I was just agreeing with what you said about things happening about our knowledge, happening without our knowledge. Wali ने कहा कि मैंने तो बस तुम्हारी बात में सहमति जताई है, जैसा कि तुमने कहा कि हमारे जानकारी के बिना बहुत सी चीज़ें, बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं। Just a cheat of a girl, she said her aunt.
उसकी आंट ने, उसकी चाची ने कहा, ठीक इस धूर्त लड़की की तरह जैसा इसने धोखा दिया है, जैसा कि यह धोखेबाज है. एंड इट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो सी वाज ए ग्रोन लेडी. और ये भी देखो कि कैसे हमारे वार्तालाप में अपना नाक घुसेड़ दी, और ठीक वैसे ही जैसे कि यह कोई परिपक्व महिला हो. वली स्माइल टू हरसेल्फ, वली मन ही मन मुस्कुराई. शी डिड नॉट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. वो नहीं चाहती थी कि वे लोग उसकी मुस्कुराहट को समझ सकें. बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर. लेकिन अब वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं थी. क्या इस बात की संभावना थी कि अब उसकी माँ या उसकी चाची जान सकें कि आखिर वली ने क्या कुछ किया है.